कभी-कभी ऐसा होता है, लाइक कोरोना पीरियड में एक जान पहचान को हमको हम देखा है कि उसको ना 45 लाख उसको कोरोना पीरियड में खर्चा हुआ है, एक कोरोना के जी लिए। तो इसका बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, जब मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, या अगर बीमारी का क्या चलते कितना फैसिलिटीज हमको, या कैसे हम इसको ठीक ठीक करेंगे। देखिए, ये जो कोरोना फैला, एक तरह से देखें तो ये अमानवीयता का परिणाम है। ये प्राकृतिक रूप से तो ये बीमारी आई नहीं, है ना। ये तो हाँ कई बार स्टैब्लिश हुआ कि मानवकृत समस्या रही है ये। तो अमानवीयता से, है ना, इस तरह की आपदाएं कई बार हो जाती हैं। तो जैसे युद्ध है, महामारी है, इस तरह की महामारी जो मानवकृत है, तो उस समय जो अभी हमने शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए सुविधा की व्यवस्था की हुई है वो कम पड़ जाती है, ठीक है ना। अब जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन ने सबके घर ही तोड़ दिए, ठीक। तो हाँ आदमी दूसरे देश में तो घर बना के रखेगा नहीं, घर टूट करेक्ट ही गया, है ना। या ऐसी महामारी फैली कि गांव के गांव साफ हो गए, फॉर एग्जाम्पल। तो हाँ इस हाँ तरह के कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं। अब वो एक्सीडेंट परिस्थितियां जब होती हाँ हैं, हाँ, तो ये तो मानवकृत है। कुछ हाँ प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे कहीं प्राकृतिक आपदा हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, भूकंप आ जाए, करेक्ट हाँ जी, करेक्ट वॉल्केनो इरप्ट हो जाए, हाँ ठीक हाँ ना। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह हाँ की जो स्थितियां बनती हैं वो एक सामाजिक आपदा के रूप में रहती हैं। तो हम समाज के साथ जुड़ के उसका कुछ उपाय निकालते हैं, है ना। उस समय तो उसके लिए तो हम सोचे कि हम संचय करके रख लेंगे तो नहीं पूरा पड़ेगा। इतना जरूर है, जैसे आपने जो उदाहरण दिया, तो कोविड में भी देखें तो अगर हम संयम के भाव के साथ जी रहे हैं और प्रकृति के साथ जुड़कर जी रहे हैं, तो इसकी संभावना काफी कम रही। जैसे अभी भी आप करेक्ट देखो तो जो लोग, जैसे मैंने कॉलोनी में ही देखा कि स्वीपर्स जो इस कॉलोनी में है उनमें से पूरे समय ये लोग बाहर इंटरेक्ट करते रहे, बट इनको कोविड नहीं हुआ। बट, हाँ है ना, जो लोग बहुत ही अलग ढंग से जीने का अभ्यास करते रहे उनको कोविड हुआ, हाँ और कई ऐसे कैजुअलिटीज भी हुए। तो एकदम अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ कर जी रहे हैं तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस नेचुरली हाई रहता है। तो पूरे लिविंग मॉडल पे एकदम अगर हम ठीक से काम करें हाँ तो एक तो हम संयम के भाव के साथ ज्यादा ठीक से जी पाते हैं, हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस हाई होता है, और फिर इस तरह की बीमारियों के हम कम शिकार होते हैं, इस पर्टिकुलर बीमारी की बात करें। हाँ हाँ और उसमें भी यदि कोई ऐसा घटना होता है परिवार में, एक दो लोगों को होता है, तो हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। और फिर जब वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, वो उत्पादन करके एक दूसरे, मतलब जहाँ से उसको सहयोग मिला उनको वापस उसको पूरा कर सकता है। इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। तो थोड़ा बहुत हम हाँ संचय कर सकते हैं, परंतु उसमें कितना व्यय होगा ऐसी आपदाओं में, ये तो तय करना मुश्किल है। तो हाँ प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक हो, आपदाओं के केस में तो हमारा जो संचय है वो तो कम पड़ ही सकता है। तो कितना हाँ बुरी हाँ आपदा करेक्ट होगी कहना मुश्किल है। तो उसको करेक्ट पहले से स्वीकार के चले, और हाँ जब हमको मैं और शरीर ये दोनों समझ में आता है, तो हमको दिखता है कि हाँ, ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसमें शरीर का क्षय हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम स्वीकार करके चलते हैं। नॉर्मल रूटीन में हमको कैसे जीना है यह हमको स्पष्ट हो सकता है। हाँ, इसमें ये भी हुआ कोविड में कि कई लोगों के रोजगार छीन गए, ठीक है ना, ये एक और बड़ी समस्या रही। तो इतना तो हम संचय करेंगे कि हमारे पास 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुविधा की व्यवस्था रहे। इतना तो हम संचय करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मिल जैसे उत्पादन करेंगे उसको पूरा करेंगे। तो ये जो मानवकृत समस्याएं हैं, बड़ी आपदाएं हैं, इसमें तो ये संभावना लगी रहेगी। ये अभी करेक्ट छोटे स्तर पे हुआ और बड़े स्तर पे हो सकता था। हाँ हाँ